तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है राइजिंग फिल्म इवोपरेटर एंड फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा राइजिंग फिल्म इवोपरेटर, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं कि इन दोनों टॉपिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो वो क्या चेंज होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। एक ही डायग्राम से हम लोग दोनों टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि राइजिंग फिल्म इवोपरेटर एंड फोर सर्कुलेशन इवोपरेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग राइजिंग फिल्म इवोपरेटर का मीनिंग समझते हैं या क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर का मतलब समझते हैं। तो देखिए, राइज या क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना। जैसे कि हम लोग पेड़ पे चढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंब करना, और पेड़ से नीचे उतरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग, यानी नीचे उतर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर के बारे में डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो फॉलिंग फिल्म में क्या हो रहा था कि ऊपर से पानी हमारा नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, और राइजिंग में क्या होगा कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। बस यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि फॉलिंग और राइजिंग फिल्म इवोपरेटर के बीच में यही डिफरेंस है कि जो इवोपरेटर के अंदर हम लोग फीड प्रोवाइड करते हैं, राइजिंग फिल्म में क्या होगा, बॉटम से होगा, और फॉलिंग फिल्म में क्या होगा, टॉप से होगा, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे गिराना है तभी तो फॉल होगा, और राइजिंग का मतलब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तभी ये राइजिंग या क्लाइंबिंग होगा, ठीक है, ये हो गया। और फोर सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि ये जो हम लोग पानी ऊपर प्रोवाइड करेंगे, इस टाइप के जो इवोपरेटर होगा उसको पानी यानी कि फीड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फोर सर्कुलेशन यानी किसी पंप के मदद से हम लोग हाई प्रेशर से पानी इसके अंदर फीड करवाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये दोनों इवोपरेटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग राइजिंग फिल्म इवोपरेटर को डिटेल से समझते हैं, यानी कि क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर को समझते हैं। तो देखिए, क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर या फोर सर्कुलेशन इवोपरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया है, इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, इवोपरेटर का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इवोपरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हमारा इवोपरेशन प्रोसेस किया जाता है, यानी कि लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इवोपरेटर का आपको पर्पस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं इवोपरेटर पे, जैसे कि हमारा सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर या फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इवोपरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हमारा लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इस इवोपरेटर का मेन पर्पस यही होता है कि लिक्विड को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना, यानी कि जब हम लोग लिक्विड को गर्म करेंगे, ठीक है, तो पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, और पानी के अंदर जो भी गंदगी है वो वहीं पे छूट जाता है। यानी कि पहले हमारा पानी के अंदर लोअर कंसंट्रेशन था, जब हम लोग गर्म कर दिए तो वेपर में कन्वर्ट होकर वो उड़ जाता है, और हायर कंसंट्रेशन का जो इंप्यूटेज है वो वहीं पॉट में बच जाता है। तो यही फंक्शन होता है, यही इसका पर्पस होता है किसी भी इवोपरेटर का। तो चलिए हम लोग अभी समझेंगे कि पहले समझते हैं कि राइजिंग फिल्म इवोपरेटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इस डायग्राम में ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक इवोपरेटर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा इवोपरेटर है, यहीं पे हम लोग लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक हीट एक्सचेंजर, इवोपरेटर क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। तो यहां पर हीट कैसे एक्सचेंज होता है, तो ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, यहां से आप देख रहे होंगे, ये ब्लैक वाला को हम लोग बोलते हैं इसका सेल है, ठीक है, और इसके इनसाइड में हमारा ट्यूब लगे हुए रहते हैं। तो ये जो हमारा इवोपरेटर है, जैसे कि हमारा फॉलिंग फिल्म हो या राइजिंग फिल्म या फोर सर्कुलेशन, एक तरह से सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। तो देखिए, ये ट्यूब हो गया, ये सेल हो गया, और ट्यूब के इनसाइड में हम लोग क्या करते हैं, फीड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिस लिक्विड को हम लोग को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, उस लिक्विड को, उस फीड को हम लोग इस ट्यूब के इनसाइड से हम लोग फ्लो करवाते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं लिखा हूं फीड, और यहां से हमारा क्या है, फीड आता है, और ये जो पानी देख रहे हैं ना, वो क्या होगा, इस ट्यूब के इनसाइड में एंटर होगा, ठीक है, और यहां से हमारा क्या होता है, आउट हो जाता है, ट्यूब के टॉप से हमारा आउट हो जाता है। और देखिए,
यहां पे हीट एक्सचेंज करने के लिए कुछ हीटिंग मीडियम चाहिए, तो हम लोग ट्यूब के आउटसाइड में क्या करते हैं, स्टीम इन करवाते हैं। तो देखिए स्टीम से यहां पे हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं, तो डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर का स्टीम हम लोग बॉयलर से प्रोडक्शन करके हम लोग इसके अंदर भेजते हैं। तो देखिए यहां पे आपको इनलेट दिया होगा, यहां पे हमारा स्टीम आएगा और ये जो रेड जितना आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूब के आउटसाइड में हमारा क्या है, स्टीम है। अब देखिए जैसे ही हमारा यहां पे ट्यूब के इनसाइड में हम लोग पानी भेजेंगे, ठीक है, तो यहां पे ये दोनों क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज करेगा, यानी कि स्टीम के पास क्या है, हायर टेम्परेचर है, वाटर के पास क्या है, लोअर टेम्परेचर है। तो स्टीम क्या करेगा, इसको अपना हीट एक्सचेंज करेगा, जिसके दौरान स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके चलते ये जो वाटर है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और जो स्टीम है वो कंडेंस होता है, उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो वो कंडेंस होगा और फाइनली वो कंडेंस होकर के यहां से एक पैसेज दिया है, यहां से हमारा कंडेंसेट आउट हो जाता है, यानी कि यहां से स्टीम इन करेगा और नीचे साइड से हमारा जो स्टीम है वो आउट हो जाता है और लिक्विड हम लोग नीचे से दे रहे हैं और टॉप से निकल जा रहा है। तो यहां से जो लिक्विड रहेगा वो वाटर फॉर्म में रहेगा, यहां से जो निकलता है वो वेपर फॉर्म में रहेगा और इसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहेंगे। तो देखिए यहां पे ये जो लिक्विड है अपने आप ऊपर कैसे क्लाइंब कर रहा है, यहां पे यही जानना जरूरी है, यानी कि कैसे ये अपने से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिक्विड मतलब किसी पंप के मदद से हम लोग यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा पंप जिसका प्रेशर लो है, क्योंकि फोर्स सर्कुलेशन का मतलब होता है फोर्सफुली, मतलब ऐसा पंप लगाएंगे जिसका प्रेशर हाइयर होगा। यहां पे हम लोग किसी पंप की मदद से ही पानी लाते हैं लेकिन उसका प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है। तो मान लीजिए यहां पे हमने पानी ला दिया, अब ये जो पानी है मान लीजिए इस ट्यूब के अंदर आ रहा है, ठीक है, जब हम लोग पानी फीड करेंगे तो यहां तक आएगा और इसके आउटसाइड में क्या है, हमारा स्टीम है। तो स्टीम जैसे रहेगा तो इस ट्यूब को क्या करेगा, गर्म करेगा, क्योंकि स्टीम के पास हीट एनर्जी है। तो मान लीजिए कि हमारा ये ट्यूब क्या है, हॉट है, गर्म है स्टीम के द्वारा, ठीक है, और यहां पे जैसे ही पानी आएगा तो क्या करेगा, स्टीम जो हमारा ट्यूब है वो इस वाटर को गर्म करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पाइपलाइन है, इसी पाइपलाइन यानी ये ट्यूब को मैं यहां पे शो कर रहा हूं और इस ट्यूब के इनसाइड में मान लीजिए हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, और यहां से हम लोग स्टीम दोनों तरफ से प्रोवाइड, चारों तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, ये पूरा गर्म हो जाता है। तो इसके अंदर जो पानी है जैसे ही यहां पे कांटेक्ट में रहेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो ट्यूब है इस वाटर को हीट ट्रांसफर करेगा, जिसके चलते ये जो वाटर है, जो मतलब कि ट्यूब के सरफेस पे जो वाटर रहेगा वो क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा। और जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, बबल्स फॉर्म होता है। आप एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अपने घर में जब हम लोग किसी कंटेनर के अंदर पानी रख करके गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा छोटा बबल बनता है, मतलब कि बुलबुला बनता है। जैसे ही यहां पे स्मॉल बबल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, तो इसके सरफेस पे क्या है, हायर टेम्परेचर है, और यहां पे अगर देखेंगे मिडिल पोर्शन में तो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहां पर हमारा पूरा पानी है। तो ये जो बबल है वो क्या होगा, इधर आने की कोशिश करेगा और यहां पे दोनों जुड़ के क्या होगा, एक बड़ा सा बबल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल में हम लोग जो लिए कि किसी कंटेनर के अंदर जब पानी गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले नीचे बबल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि कंटेनर के बॉटम से जहां हम लोग हीट दे रहे हैं वहीं पे बबल का फॉर्मेशन होता है और वो जो बबल है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि कभी भी जो बबल होगा वो लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, कभी भी हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है तो ऊपर जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसको कहीं निकलने का जगह नहीं है तो ये लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा तो ये कहां आएगा, हमारा यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब ट्यूब के सेंटर में आएगा। तो जैसे ही सेंटर में आता है तो ये क्या है, हमारा बड़ा स्टीम का फॉर्मेशन किया, बड़ा बबल का फॉर्मेशन किया और ये क्या होगा, इसका डेंसिटी कम होगा। कभी भी वाटर के डेंसिटी से जो हमारा स्टीम है या जो बबल है उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होता है। तो जब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो मान लीजिए यहां पे हमारा बबल का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये जैसे ही बबल ब्रस्ट होता है, मतलब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये क्या होगा, ब्रस्ट होगा, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसके चलते इसके साइड में जो भी पानी है वो क्या होगा, वॉल की तरफ स्प्रेड होगा। तो इस तरह से क्या होगा, स्टीम ऊपर जाते रहता है, यानी कि जो स्टीम है वो ऊपर बीचों बीच से ऊपर जाते रहता है और क्या करेगा, पानी को प्रेशराइज करते रहता है इस ट्यूब के सरफेस के ऊपर,
ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्टीम है वो हायर वेलोसिटी से ऊपर जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर जाते रहेगा और साथ ही साथ ये एक जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक फोर्स क्रिएट करता है और पानी को भी अपने साथ लेते जाता है। तो यहां पे हम लोग बिना किसी पंप की मदद से स्टीम के फोर्स के द्वारा हम लोग पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। यानी कि जब हम लोग का स्टीम ऊपर जा रहा है तो स्टीम के सरफेस पे हमारा एक वाटर का फिल्म प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। और फॉलिंग फिल्म में क्या कर रहे थे, ऊपर से पानी डाल रहे थे जो कि इजिली यहां पर क्या होता है फिल्म पानी का बन जा रहा था और वहां पर इवोपरेशन हो रहा था। तो इन दोनों में यही फॉलिंग और राइजिंग में यही डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होगा, यानी कि तीनों जो हमारा इवोपरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन सेम ही होगा, बस राइजिंग में हमारा नीचे से फिट देंगे और फॉलिंग में ऊपर से फिट देंगे, बाकी कंस्ट्रक्शन आपको ऐसा ही अपीयर होगा। तो इस तरह से हमारा समझ में आ गया होगा कि कैसे यहां पे जो बबल है वो इसको ऊपर की तरफ ले जाता है और यहां पे हमारा आ जाता है। अब देखिए यहां पे ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है डिफ्लेक्ट करना। यहां से हमारा स्टीम और इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर होगा तो ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जो भी वेपर होगा वो क्या होगा, लाइट वेट है, वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो भी इसके अंदर अगर पानी कंटेंट होगा वो क्या होगा, यहीं पर छूट जाता है, यहीं पे छूट जाता है। ठीक है, और ये पानी है इस पैसेज से हमारा, देखिए एक पैसेज दिखा रखा हूं, यहां से इधर आ जाता है और जो भी स्टीम होगा वो क्या होगा, देखिए यहां से जैसे ऊपर जाएगा तो ये स्टीम क्या होगा, यहां से हमारा नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर। यानी कि यहां पे साइक्लोनिक एक्शन से हम लोग सेपरेशन करते हैं, तो ये जो हमारा वेपर गया है इसके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा यानी कि वाटर कंटेंट होगा, तो यहां पे साइक्लोनिक एक्शन से क्या करते हैं, देखिए ये जो स्टीम है इसके अंदर क्या होता है, साइक्लोनिक एक्शन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेपर होता है उसका डेंसिटी कम होता है तो ये ऊपर चला जाएगा वेपर और जो भी हायर कंसंट्रेशन का मॉइस्चर होगा यानी कि वाटर होगा वो बॉटम में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे डिफ्लेक्टर भी एक तरह से सेपरेशन किया और यहां पे हम लोग साइक्लोन सेपरेटर से भी यहां पे सेपरेशन कर लिए और इसको हम लोग बोलते हैं वेपर हेड, क्योंकि ये क्या है, यहां पे हमारा वेपर है। तो इस तरह से हमारा सेपरेशन हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग का लिक्विड मिला है वो क्या होगा, यहां से हमारा निकल जाता है और यहां से हमारा जो इसके अंदर हमारा सेपरेशन हुआ है जो वाटर उसको हम लोग यहां से ले लेते हैं और ये कुछ और नहीं है बल्कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां से हम लोग का प्रोडक्ट मिल जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं रीसर्कुलेशन पाइप, क्योंकि यहां से हम लोग रीसर्कुलेशन कर रहे हैं। रीसर्कुलेशन का मतलब कि अगर ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका डिजायर्ड हम लोग का जितना कंसंट्रेशन चाहिए, मान लीजिए कि हमारा फीड के अंदर कितना है 20% कंसंट्रेशन है और यहां पे हम लोग को चाहिए 60% कंसंट्रेशन, अभी कितना मिल रहा है, मान लीजिए हम लोग को 50% कंसंट्रेशन मिल रहा है। तो रीसर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसको हम लोग फिर से इधर फीड कर देंगे, तो ये वाल्व है इसको हम लोग इनलेट वाल्व, फीड इनलेट वाल्व यहां से हम लोग ओपन करेंगे तो ये जो फीड है यहां से फिर आपका इधर चला जाएगा और हम लोग का जैसे डिजायर्ड मतलब कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम लोग यहां से मतलब फर्दर प्लांट के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, राइजिंग या क्लाइंबिंग फिल्म। अब देखिए हमारा फोर्स सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो हम लोग फीडिंग प्रोवाइड करते हैं वो किसी पंप के मदद से हम लोग क्या करेंगे, फीड प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लोग एक पंप लगा देते हैं और जहां से भी हम लोग को ये फीड लेना है यानी कि लोअर कंसंट्रेशन का वाटर लेना है वहां से इसको पंप द्वारा लेंगे और यहां से हाई प्रेशर से डिलीवर करेंगे। तो ये जो पानी है वो हायर प्रेशर का रहता है और हाई प्रेशर से क्या होगा, यहां पे फ्लो करता है, इस ट्यूब के अंदर अंदर से फ्लो करता है। तो देखिए जब हायर प्रेशर से फ्लो करेगा लेकिन यहां पे क्या होगा, स्टीम अभी भी है, यहां पे अभी भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन इस ट्यूब के अंदर ये जो हमारा लिक्विड होगा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे कि वाटर का एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लीजिए इसका 5 kg/cm² प्रेशर कर दिया जाए तो ये जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बॉयल नहीं होगा बल्कि इसका टेम्परेचर राइज हो सकता है, यानी कि हो सकता है हमारा 150 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो इवोपरेट हो, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो गया है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 kg/cm² पे है,
लेकिन यहां पे हम लोग क्या किए, प्रेशर इंक्रीज कर दिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते ये जो इस ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो क्या होगा, वेपोराइज नहीं होगा, यानी कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पे जैसे ही हमारा ट्यूब से आउट होता है, यहां पे जब आउट होता है तो सडनली क्या होता है, यहां पे लार्जर वॉल्यूम मिलता है और ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है। जो हम लोग यहां से फीड देते हैं उसका प्रेशर सडनली डिक्रीज होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहां पे जो प्रेशर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो उसका जो इवोपरेशन होगा वो कितना पे हो जाएगा, मान लीजिए हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे ही इसका इवोपरेशन हो जा रहा है, क्योंकि प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पे जो हमारा लिक्विड है, यहां पे लिक्विड का जो टेम्परेचर है मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल में हमारा 55 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही इस ट्यूब के अंदर पास आउट होगा तो इसके अंदर हीट एक्सचेंज होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इस ट्यूब के आउटलेट में जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहेगा कभी भी, क्योंकि यहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लीजिए यहां पे हमारा जो वाटर निकल रहा है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या किए, ऐसा कुछ किए कि यहां पे जो प्रेशर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यहां पे प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक किया जाता है, यानी कि यहां पे वैक्यूम कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अभी आप यही समझ लीजिए कि जैसे बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो ये जो लिक्विड है हो सकता है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस में ही क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके पास कितना टेम्परेचर है 100 और प्रेशर कितना है बिलो एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या होगा सडनली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, जो वाटर है वो फ्लैश हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही यहां पे हमारा स्टीम मिल जाता है तो ये डिफ्लेक्टर से टकरा के क्या होगा, जो भी वेपर होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो भी पानी है वो इधर आ जाएगा, और वेपर फिर से हमारा साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा, यहां पे साइक्लोनिक एक्शन होगा और वेपर हमारा टॉप में, लिक्विड हमारा ये। तो इस तरह से हमारा फोर्स में एक पंप की मदद से हम लोग यहां पे फीड को प्रोवाइड करेंगे हाइयर प्रेशर से, और राइजिंग में बिना पंप तो रहेगा लेकिन लो प्रेशर का पंप रहेगा जो कि वो स्टीम की मदद से ही ऊपर राइज करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा वेपर होता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं कि कभी भी लिक्विड को जब हम लोग वेपोराइज करते हैं तो प्योर लिक्विड का ही वेपोरेशन होता है, मतलब प्योर लिक्विड ही हमारा भाप बन करके निकलता है। तो ये जो हमारा वेपर है वो प्योर फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग ले जाते हैं कहां पे, तो देखिए एक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, यानी कि सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इसके अंदर देखिए ये बहुत सारा ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे हम लोग कूलेंट फ्लो करवाते हैं और यहाँ से हमारा कूलेंट आउट होकर के निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेपर आया है इसके अंदर क्या होगा, अब कंडेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे यहां पे हमारा स्टीम क्या हुआ, कंडेंस हुआ ये वाटर के कांटेक्ट में आके, वैसे ही यहां पे भी कंडेंसेशन होता है। तो जो भी स्टीम है यहां पे स्टीम रहेगा, यहां पे ये कंडेंस होकर के कहां आता है, तो देखिए हमारा एक हॉट वेल में आता है और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट। और ये जो हम लोग का पानी मिलता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग फिर से किसी पंप जिसको हम लोग बोलते हैं सीएपी, यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यानी ऐसा पंप जो कि इस कंडेंसेट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके डिलीवर करता है कहां पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीएसटी, यानी कि कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं, और फर्दर ये अपने प्लांट के लिए या किसी भी यूज, अगर अपने डेली लाइफ में भी यूज करना है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये यहां पे फंक्शन होता है। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि जब यहां पे कंडेंसेशन होगा तो इसके अंदर हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस भी होता है, यानी कि ऐसा गैस जो कि नॉन कंडेंस, वो कंडेंस नहीं होगा, तो उसको यहां से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पंप का यूज करते हैं जिसको हम लोग वैक्यूम पंप या किसी इजेक्टर सिस्टम से हम लोग यहां का नॉन कंडेंसिंग गैस को रिमूव करते हैं। तो जैसे ही यहां पे नॉन कंडेंसिंग गैस निकालते हैं किसी पंप द्वारा, वैक्यूम पंप या इजेक्टर द्वारा, तो यहां पे प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक हो जाता है, यानी कि यहां पे वैक्यूम मेंटेन होने लगता है। तो यहां पे जैसे वैक्यूम होगा तो ये कनेक्टेड है यहां पे, तो यहां पे भी वैक्यूम मेंटेन होगा, ये कनेक्टेड है यहां पे, तो यहां पे भी वैक्यूम मेंटेन होता है। तो यहां पे वैक्यूम मेंटेन करने का पर्पस क्या हो गया, एक तो नॉन कंडेंसिंग गैस निकालना, दूसरा ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर डिक्रीज करना, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और ये इजिली इवेपोरेट होगा, और तीसरा क्या होगा कि राइजिंग फिल्म में क्या होगा कि जब यहां पे वैक्यूम रहेगा तो एक अपवर्ड फोर्स यहां पे क्रिएट करता है। वैक्यूम का मतलब क्या है, यहां से कोई खींचने की कोशिश करेगा
तो ये जैसे खींचता है तो ये जो लिक्विड है ना ये भी असिस्ट होता है इस वैक्यूम द्वारा ऊपर जाने के लिए। तो राइजिंग फिल्म हमारा क्या होता है, वैक्यूम टाइप, अगर मतलब यहां पे वैक्यूम सिस्टम लगा है तो ये एक तो स्टीम के फोर्स के द्वारा ऊपर उठता है और दूसरा जो हमारा वैक्यूम फोर्स है जो वैक्यूम यहां पे मेंटेन किए हैं उसके वजह से भी ऊपर चढ़ता है। तो ये हुआ हमारा राइजिंग फिल्म और फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।